गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। आप लोगों के चेहरे की ये चमक बता रही है कि आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मिनी सेमिनार की श्रृंखला में आज का विषय है अनधिमानवक विश्लेषण। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर जे आर हिक्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथ ही यह सिद्धांत उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत एक नया सिद्धांत था। इसके अनुसार उपयोगिता को नापने की कोई जरूरत नहीं थी। कुमारी पूर्वा चौधरी अपने टीम के साथ आए, उनका परिचय दें और अपना एक एक करके सभी अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति बजट तथा विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। उपभोक्ता के इसी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापने की कोशिश करता है। इसके साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को स्वतंत्र मानता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है, जबकि हमारे वास्तविक जीवन में उपरोक्त तीनों ही विशेषताओं को चुनौतियां दी गई हैं। प्रोफेसर जे आर हिक्स ने अनाधिमान वक्र विश्लेषण की व्याख्या की। उपभोक्ता के व्यवहार के इस सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा हेतु मैं अपने चार अन्य साथियों के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मास्टर आयुष कुमार सोनी, आपको अनाधिमान वक्र की परिभाषा और विशेषता के बारे में बताएंगे, जबकि मास्टर शेषराज उपभोक्ता की बजट रेखा और व्यवहार पर चर्चा करेंगे और मास्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव का विषय होगा उपभोक्ता का संतुलन, और अंत में कुमारी आशा बानू इस सिद्धांत में व्याप्त कमियों से आप सभी को अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम मैं मास्टर आयुष कुमार सोनी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और अपने दिए हुए विषय पर प्रस्तुति दें। मास्टर आयुष कुमार सोनी प्लीज। धन्यवाद अपूर्व जी। अनधिमान यानी कि अधिमान न देना, उदासीनता और तटस्थता से हमारा अभिप्राय दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति समदृष्ट रखना। एक उपभोक्ता उसी अवस्था में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति समदृष्ट रख सकता है जब उससे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर भी समान हो। अनधिमान वक्र भी ऐसे विभिन्न संयोगों को मिलाकर बनाया गया वक्र है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। जे आर हिक्स के शब्दों में आईसी रिफर्स टू लोकाई ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब क्योंकि अनधिमान वक्र पर स्थित समस्त बिंदु से उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है, तो इस अवस्था में उपभोक्ता उसमें से किसी भी संयोग के प्रति तटस्थ अथवा उदासीन हो जाता है। आइए हम सब इसका निर्माण स्वयं करके देते हैं। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता को वस्तु एक्स और वाई का प्रयोग करना है। वस्तु एक्स को हम चपातियों की संख्या के रूप में ले सकते हैं और वाई को चावल की मात्रा के रूप में। अब हमें से कोई भी ये बता सकता है कि एक उपभोक्ता आखिर कितनी चपाती और कितना चावल का उपभोग करें जिससे उसकी भूख रूपी इच्छा शांत हो जाए। आरंभ में एक उपभोक्ता एक चपाती और 100 ग्राम चावल का उपभोग करता है जिससे उसकी भूख रूपी इच्छा शांत होती है। अगर उपभोक्ता एक अतिरिक्त चपाती और 50 ग्राम चावल का उपभोग करे इससे भी उसकी भूख रूपी इच्छा शांत होगी, परंतु इस स्थिति में उपभोक्ता ने एक अतिरिक्त चपाती को 50 ग्राम चावल से प्रतिस्थापित किया जिसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, जो कि आरंभ में 1:100 थी बदलकर 1:50 हो गई। अगर उपभोक्ता 3 चपाती और 30 ग्राम चावल का उपभोग करे तो भी उसकी भूख रूपी इच्छा शांत होगी, परंतु इस स्थिति में जो कि MRS/Y 1:50 था बदलकर 1:20 हो जाता है। इन्हीं कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हुए हमने अनधिमान वक्र का निर्माण किया हुआ है। इस पर स्थित बिंदु A, B, C या D सभी बिंदुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। आइए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि अनधिमान वक्र पर स्थित समस्त बिंदु से उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। ऐसा तभी संभव है जब उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के फलस्वरूप दूसरे वस्तु के उपभोग में कमी लाए। आइए इसको हम ग्राफ समझते हैं। आरंभ में
उपभोक्ता वस्तु वाई एक्स के उपभोग को बढ़ाता जा रहा है और वस्तु एक्स के उपभोग को क्रमशः कम करता जा रहा है। इसलिए अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अनधिमान वक्र की दूसरी विशेषता है यह मूल बिंदु के उन्नतोतर होता है। प्रोफेसर जेआरएस के अनुसार एक उपभोक्ता वस्तु एक्स के उपभोग को बढ़ाने के लिए वस्तु वाई की त्यागी गई इकाइयों में क्रमशः कमी करता रहता है, जिसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटते हुए होने के कारण यह मूल बिंदु के उन्नतोतर होता है। आइए इसको हम ग्राफ समझते हैं। दिए गए ग्राफ में उपभोक्ता वस्तु x की केवल एक इकाई वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप y को सर्वप्रथम y0 से y1 पर आना पड़ता है। इस स्थिति में उपभोक्ता केवल एक वस्तु x की एक ही इकाई को उपभोग बढ़ाता है। अगर वस्तु x की एक और अधिक इकाई का उपभोग बढ़ाता है उस स्थिति में y1 से y2 इकाई तक कमी करनी पड़ती है। अनधिमान वक्र की तीसरी विशेषता है कि उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रोफेसर जी आर एक्स के अनुसार उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊंचे अनधिमान वक्र पर उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में कमी किए बगैर दूसरे वस्तु के उपभोग में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार उपभोग का उच्च स्तर निश्चित तौर पर संतुष्टि के स्तर में वृद्धि करता है। आइए इसको हम ग्राफ समझते हैं। आरंभ में उपभोक्ता आई सी जीरो के बिंदु के को चुनता है। इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु x की ओ एक्स जीरो इकाई का उपभोग करता है और y की ओ एक्स ओ वाई जीरो इकाई का उपभोग करता है। अगर उपभोक्ता चाहे तो वस्तु y के उपभोग में कमी के बगैर वह बिंदु L पर जाकर वस्तु x के उपभोग को बढ़ा सकता है, और यदि उपभोक्ता चाहे तो वस्तु x के उपभोग में कमी किए बगैर वस्तु y के उपभोग को बढ़ा सकता है और बिंदु M पर जाकर वस्तु y के उपभोग को ओ वाई जीरो से ओ वाई टू कर सकता है। इस प्रकार उच्च अनधिमान वर्ग संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। अनधिमान वक्र की चौथी विशेषता है कि दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। यह सत्य है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों ही वक्रों से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान होगा। आइए इसके ग्राफ समझते हैं। दिए गए ग्राफ में IC0 और IC1 एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु पर दोनों वक्रों से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान होगा, परंतु यदि इस बिंदु के नीचे जाएं तो IC0 IC1 की तुलना में नीचे है, जिससे इससे मिलने संतुष्टि का स्तर इसकी आई सी वन के अपेक्षा कम होगा। परंतु यदि इस बिंदु के ऊपर जाएं तो आई सी जीरो आई सी वन की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है और इससे मिलने वाले संतुष्टि का स्तर आई सी वन की तुलना में अधिक होगा। इसलिए परस्पर विरोधी कथन होने के कारण ये संभव नहीं है। अनधिमान वक्र की पांचवी और आखिरी विशेषता है कि कोई भी अनधिमान वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि इसके प्रतिपादकों ने इसे दो वस्तुओं से संबंधित बनाया है। अगर ये किसी भी अक्ष को स्पर्श करता है तो यह केवल एक वस्तु संबंधित रह जाएगा। आइए इसको हम ग्राफ समझते हैं। दिए गए ग्राफ में IC0 y एक्सिस को बिंदु N पर टच कर रहा है। इस स्थिति में वस्तु x का उपभोग शून्य है और IC1 x एक्सिस को बिंदु M पर टच कर रहा है। इस स्थिति में वस्तु y का उपभोग शून्य है, जो कि संभव नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर आयुष कुमार सोनी, आपने बड़े ही संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से अनाधिमान वक्र की परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में बताया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि की उच्चतम संभव सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न करेगा, किंतु जिस प्रकार मार्ग में मार्ग अवरोधक बनाए जाते हैं, क्या उसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय उसके इस उड़ान के मार्ग में मार्ग अवरोधक तो नहीं बन जाएंगी? से जानने के लिए मास्टर शेष राज को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और अपने दिए हुए विषय पर प्रस्तुति दें। धन्यवाद मिस अपूर्वा चौधरी। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि ऊंचे अनाधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर ऊंचा होगा, तो उपभोक्ता के लिए ऊंचे अनाधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि मानव स्वभाव के अनुसार उपभोक्ता ऊंचे अनाधिमान वक्र पर जाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसकी इस इच्छा की संतुष्टि को पूरा करने के लिए उसकी आय तथा दोनों वस्तुओं की दी गई कीमतें एक सीमा रेखा का निर्माण करेंगी, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं के उन सभी संयोगों का क्रय कर सकता है। प्रोफेसर जे आर हिक्स के मतानुसार दी गई आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों का प्रयोग करते हुए दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को मिलाया गया वक्र जिसे उपभोक्ता क्रय कर सकता है बजट लाइन कहलाता है। आइए अब इस अवरोधक या सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपया है तथा वस्तु x की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है तथा वस्तु y की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई है। अब यदि वह
वस्तुवाई की शून्य मात्रा का क्रय करते हुए संपूर्ण राशि को वस्तु एक्स पर व्यय करता है तो वह वस्तु एक्स की 100/10 बराबर 10 इकाइयों की प्राप्ति कर सकता है। इस स्थिति को हम संयोग ए मान लेते हैं। दूसरी तरफ यदि वह अपनी संपूर्ण राशि को वस्तु वाई पर व्यय करता है तो वह वस्तु वाई की 100/5 बराबर 20 इकाइयों की प्राप्ति करता है। इस स्थिति को हम संयोग बी मान लेते हैं। यदि हम संयोग ए तथा संयोग बी को मिला दें तो हमें एक बजट लाइन की प्राप्ति होती है। आप चित्र में देख सकते हैं बजट लाइन के अंदर स्थित किसी भी कॉम्बिनेशन को अटेंड करने में उपभोक्ता एबल होता है या सक्षम होता है, इसलिए इसको अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा लेता है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं कहते। जबकि बजट लाइन पर स्थित किसी भी कॉम्बिनेशन को अटेंड करने में उपभोक्ता अपनी आय का संपूर्ण भाग व्यय करता है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। जबकि बजट लाइन के बाहर स्थित किसी भी कॉम्बिनेशन को अटेंड करने में उपभोक्ता सक्षम नहीं होता क्योंकि उसके पास पर्याप्त आय नहीं होती है, इसलिए उपभोक्ता इसको अटेंड नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में इसको नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं यदि उपभोक्ता की आय में तथा दोनों वस्तुओं की कीमत में यदि परिवर्तन हो जाए तो बजट लाइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आय में वृद्धि होती है तो यह दाईं तरफ खिसक जाएगा क्योंकि इस अवस्था में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा में उपभोग करने लगेगा। यदि आय में कमी होती है तो यह बाईं तरफ खिसक जाएगा क्योंकि इस अवस्था में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कम मात्रा में उपभोग करने लगेगा। यदि वस्तु एक्स की कीमत में कमी हो जाती है तो वह ए बी से हटकर ए बी वन हो जाएगा। यदि वस्तु एक्स की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वह ए बी से ए बी टू हो जाएगा। यदि वस्तु वाई की कीमत में कमी होती है तो वह उपभोक्ता वस्तु वाई की अधिक मात्रा का उपभोग करने लगेगा। यदि वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि होती है तब यह नीचे की तरफ खिसक जाएगा तथा कीमत में कमी होने पर यह ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। मास्टर शेषराज को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का उपभोक्ता की बजट रेखा और उसके जेब पर पड़ने वाले प्रभाव से हमें अवगत कराया। आइए देखते हैं कि किस प्रकार मास्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव अनाधिमान वक्र और बजट रेखा का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि स्तर को प्राप्त करने की व्याख्या करते हैं। मैं मास्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ आए और अपने दिए हुए विषय पर प्रस्तुति दें। मास्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव। थैंक यू मिस अपूर्वा। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता के इष्टतम चयन से होता है। एक उपभोक्ता अपना इष्टतम चयन उस समय प्राप्त करता है जब वह अपनी संपूर्ण आय को विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं पर क्रय करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। तथस्ता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता जो वह अपनी पसंद तथा प्राथमिकता के अनुसार प्राप्त करना चाहता है और जो वह अपने बजट और वस्तुओं की बाजार कीमत के अनुसार खरीद सकता है, इनके बीच संतुलन बनाकर वह अपना इष्टतम चयन प्राप्त करता है। जैसा कि आप सबको पहले ही बताया गया कि एक ऊंचे अनाधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होता है, और जैसा आपको पहले एक और बताया गया कि दो वस्तु की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय किस प्रकार बजट रेखा का निर्माण करती हैं, तो एक उपभोक्ता अधिकतम संभव अनाधिमान वक्र पर जाने का प्रयत्न करता है परंतु उसकी यह सीमा बजट रेखा द्वारा प्रतिबंधित होती है। तो एक उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन में होता है जब वह अधिकतम संभव अनाधिमान वक्र पर स्थित होता है। ऐसा तभी संभव है जब अनाधिमान वक्र की ढाल यानी MRSXY बजट रेखा की ढाल यानी PX/PY के समान हो जाए। आइए इसको एक रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ बजट रेखा AB और IC A के बिंदु E पर उपभोक्ता संतुलन में होगा क्योंकि IC 2 उसकी क्रय शक्ति से बाहर है और IC 0 के अन्य समस्त बिंदुओं की तुलना में वह IC 1 के बिंदु E पर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। IC 1 IC 0 की तुलना में अधिक ऊंचा होने के कारण संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। अगर किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए यदि वस्तु X की कीमत में कमी हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु X का उपभोग बढ़ा देगा जिससे बजट रेखा X एक्सिस पर दाईं ओर खिसक जाएगी और इससे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बढ़ा देगा और उपभोक्ता का संतुलन नई बजट रेखा के IC 1 के बिंदु E पर स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद मास्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। क्या इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी रह गई हैं या फिर यह सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार की सही व्याख्या करता है? इसे जानने के लिए मैं कुमारी आशा बानो को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद अपूर्वा जी। वास्तव में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर जे आर एस द्वारा किए गए प्रयत्न को अर्थशास्त्र तथा उसके अध्ययन करने वाले अनुसंधानकर्ताओं ने अत्यंत सराहा है, परंतु अनधिमान वक्र विश्लेषण का बारीकी से अध्ययन करने पर इसमें भी कुछ कमियां पाई गईं। जैसे कुछ विद्वानों ने इसे ओल्ड वाइन न्यू बॉटल तक कह दिया। ऐसे विद्वानों के अनुसार यह सिद्धांत अनधिमान वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त MRSXY=PX/PY को माना गया है, जबकि उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत में उपभोक्ता संतुलन की शर्त MUX/PX=MUY/PY=MUM निर्धारित की गई है। इसका बारीकी से अध्ययन करने पर MRSXY=MUX/MUY=MRSXY के रूप में देखा जा सकता है। इसका प्रोफेसर जे आर एस द्वारा दिए गए सूत्र को परिवर्तित करने पर MRSXY=PX/PY तथा बाय अल्टरनेट MUX/MUY=PX/PY के रूप में लिख सकते हैं। उपरोक्त कमी के अलावा क्या कोई भी उपभोक्ता अपने प्रेफरेंस की इतनी सटीक गणना कर सकता है ताकि ऐसे संयोगों को निकाले जिससे उसे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान रहे? क्या इसके अंतर्गत और अधिक गणना करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत की आलोचना की गई तथा आईसी एनालिसिस का जन्म हुआ? तीसरी कमी के रूप में उपभोक्ता की विवेकशीलता को मान्यता भी हर एक पर लागू नहीं होती है। परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, इस मान्यता को भी हमेशा नहीं देखा जाता है। पांचवी कमी के रूप में यह मात्र दो ही वस्तु पर लागू होता है जो कि वास्तविकता से काफी दूर है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आईसी एनालिसिस भी तमाम कमियों से ग्रस्त है। यह उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बेहतर विकल्प तो हो सकता है परंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी आशा बानो। तो आपने बड़ी ही खूबसूरती के साथ यह साबित कर दिया है कि यह सिद्धांत भी उपभोक्ता के व्यवहार की सही व्याख्या नहीं करता है, किंतु प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत की तुलना में यह एक बेहतर विकल्प है। इसी के साथ अब आप सभी के मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं को शांत करने का समय यानी क्वेश्चन आंसर सेशन प्रारंभ होता है। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ आएं और अपने अपने विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयत्न करें। अब आप सभी एक एक करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, क्या इस सिद्धांत में उपयोगिता का मापा जाना आवश्यक नहीं है? नहीं, इस सिद्धांत में उपयोगिता को मापा जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस की इसी कमी को दूर करने के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत हम संतुष्टि के स्तर को मापते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? क्या यह संभव है कि किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो? हाँ, यह संभव है, क्योंकि यदि हम चपाती और चावल की मात्रा में परिवर्तन करते जाएं तो हमें कई ऐसे संयोग मिल जाएंगे जिनका प्रयोग करके हम इसका निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? मैं मास्टर शेषराज से यह पूछना चाहूँगा, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो इससे बजट रेखा किस प्रकार प्रभावित होगी? यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो यह दाईं तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में उपभोक्ता उस वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग कर सकता है। यदि आय में कमी होती है तब यह बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि इस अवस्था में भी बजट रेखा का ढाल परिवर्तित रहेगा? जी हाँ, क्योंकि बजट रेखा का ढाल PX/PY होता है और ना ही आपने प्राइस आप एक्स में कोई चेंज किया है और ना ही प्राइस आप वाई में, इसलिए यह भी अपरिवर्तित रहेगा। यदि सिर्फ वस्तु एक्स की कीमत में कमी कर दी जाए तो बजट रेखा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक्स की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है, एक्स एक्सिस पर दाईं तरफ खिसक जाएगा। धन्यवाद। हालांकि हम सभी ने आपके मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं को शांत करने का एक ईमानदार प्रयत्न किया, किंतु हम हैं तो एक छात्र ही, हो सकता है हमसे कुछ बिंदु छूट गए हों, इसलिए मैं अपने अर्थशास्त्र शिक्षक CDN तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ कि यदि हमसे कुछ अंश छूट गए हैं तो वे हमें बताएं। प्लीज सर। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम कक्षा में बैठे हुए होते थे और हमारे अर्थशास्त्र के शिक्षक हमें इसी प्रकार पढ़ाते थे, तो जो उन शिक्षकों ने हमें दिया हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा लगा, आप लोगों ने इस प्रयत्न को 4 चांद लगा दिया। आप लोगों का प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके बावजूद क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं और मेरा एक कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में कि उन कमियों को आपके समक्ष रखूं। कुछ सामान्य सी कमियां थी जो आप लोगों ने डिलीवर करते समय की हैं। सबसे पहले तो आप सबका, मैंने बताया कि कैमरे की तरह सारे बच्चों की आंखों में देखते हुए टीचिंग होनी चाहिए। हर बच्चे को ये लगे कि वह आपके पास है, आपके निकट है, आपसे डायरेक्ट उसका संपर्क है। अन्यथा अगर आपकी नज़र किसी एक बच्चे पर रहेगी तो वो असहज फील कर सकता है। इसके अलावा जो कुछ और कमियां आप लोगों से रही हैं, आपने जो लेक्चर्स तैयार किए हैं, लेक्चर नोट्स जो तैयार किया है, उसकी एक फोटो प्रति सारे बच्चों में अगर पहले से बांट दी गई होती तो उसका फायदा इन बच्चों को हो सकता था। इसके बावजूद एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आजकल नया चला है, प्रोबेबल क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेरीज जो इनके दिमाग में आ सकती है, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला। आप पहले प्रश्न और साथ में आंसर लिखकर भी अगर पहले से बच्चों को दे देते तो शायद तमाम परीक्षाओं में भी उनके काम आता और समझने में तो लर्निंग, क्योंकि लर्निंग सेंटर्ड है ये, यहाँ टीचिंग नहीं है, आप सब लर्न कर रहे हैं, तो लर्नर्स अप्रोच को अगर बढ़ावा देना है तो उनको फैसिलिटेट कर देना है। सारी मटेरियल जो आपके पास है, जो लेक्चरर्स के पास है, वो सारा मटेरियल इन बच्चों में पहले से अगर बढ़ जाएगा तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ स्पेसिफिक चूक भी रह गई आप लोगों से जो मैं चाहूँगा बताना। जब आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपका पॉइंटर ई बिंदु पर होना चाहिए, ऐसे सीधा। ऐसा नहीं कि आप ई इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं और आप यहां पढ़ रहे हैं, तो ऐसा चूक आप लोगों से हुआ है। ऐसा भी चूक हुआ है आय के बढ़ने से बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाती है। आप बताइए, आरंभ में बजट रेखा A0 B0 थी, जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो बजट रेखा A इससे खिसक कर दाईं ओर चली गई, क्योंकि प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y दोनों स्थिर हैं, समान हैं, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बजट रेखा की ढाल PX/PY होती है, जब ना PX में परिवर्तन हुआ ना PY में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये जो शिफ्टिंग होगी समानांतर शिफ्टिंग होगी, तो आपका ये पॉइंटर बिल्कुल समानांतर जाना चाहिए, समानांतर उधर, अगर आय कम हो रही है तो समानांतर इधर। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है बजट रेखा एकदम से समानांतर दाईं ओर खिसकनी चाहिए, तो आपका पॉइंटर भी समानांतर दाईं ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो समानांतर नहीं जा रहा, समानांतर कहाँ जा रहा है, समानांतर तब जाएगा जब आप इसको समानांतर खिसकाएंगे। आय कम हो गई तो बजट रेखा बाईं ओर खिसक आई समानांतर, तो बजट रेखा पे ही पॉइंटर होना है ना कि स्टेटमेंट्स पे। स्टेटमेंट तो आपको आता ही, स्टेटमेंट में कोई कमी है नहीं, फिर भी इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस आर द वेज, आर द टू व्हील्स टू गो फॉर सक्सेस। आविष्कार लगातार होते रहना चाहिए, इनोवेशंस उसमें सुधार लगातार होना चाहिए, और इसी सुधार को अगर आप लोग जो हम सजेस्ट कर रहे हैं इसको अपनाते जाएंगे तो आगे न सिर्फ आपका बैच बल्कि पूरी क्लास आगे इसका फायदा उठा पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।